अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2011 में कंडक्ट किया गया है पीपीएससी की जानिब से, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की है, और कोशिश की है कि एक्सप्लेनेशन में रेलिवेंट और शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ रिंग आर इज कॉल्ड बुलियन रिंग इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन। कोई भी रिंग है उसको हम बुलियन रिंग कहेंगे अगर इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलियन रिंग क्या होती है। सो एनी रिंग आर विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड बुलियन इफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट रिंग आर। यानी आप रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लें और उसका स्क्वेयर करें तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाए, तो इस किस्म की रिंग को हम बुलियन रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस एक नॉन अबेलियन ग्रुप है और इसका हमने ऑर्डर बताना है। आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन Q8 में 8 एलिमेंट्स हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस आई, इसी तरह प्लस जे माइनस जे प्लस के माइनस के। तो ये 8 एलिमेंट बनते हैं ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज। प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होता है। अब एक थ्योरम हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो उस थ्योरम को यूज़ करते हुए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो साइक्लिक होता है। अलबत्ता ये बात भी ट्रू है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, मगर यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप आर। किसी भी ग्रुप के कोई से दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, सिमिलर या आइसोमॉर्फिक। तो कोई भी दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं किसी भी ग्रुप में के, उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि वो दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स देन एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच का क्या इंडेक्स हो, एच एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, अब उसका इंडेक्स क्या हो कि वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। नाउ इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच। यानी कि एच के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स जितने भी बनते हैं तो उसे हम कहते हैं एच का इंडेक्स जी में। अगर कोसेट्स लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई भी दो बन जाए तो इंडेक्स 2 होगा। अब कोई भी सब ग्रुप है अगर उसका इंडेक्स 2 बन जाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। थ्योरम आपके सामने है, एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, एन जेड इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग इफ एंड ओनली इफ एन इज। एन जेड मैक्सिमल आइडियल होगा कि जेड का अगर एन नेचुरल नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो या इनमें से कोई भी ना हो। एक वेल नाउन थ्योरम है, एन जेड इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग जेड इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़ प्राइम। अगर एन प्राइम हो तो इसका मतलब है कि एन जेड मैक्सिमल आइडियल होगा, या अगर एन जेड मैक्सिमल आइडियल हो तो एन प्राइम होगा। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस ऑफ एन वेक्टर्स एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली डैश वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर स्पेस वी है जिसके बेसिस में एन वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस की हर बेसिस में एग्जैक्टली कितने वेक्टर्स होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी वेक्टर स्पेस वी हो और उसके बेसिस में जितने भी वेक्टर्स हों, जिस तरह के यहाँ पर एन वेक्टर, तो उस वेक्टर स्पेस की बेसिस में एन ही वेक्टर्स होंगे अगरचा बेसिस के एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो और यही थ्योरम आपके सामने लिखा भी है, तो इसको यूज़ करते हुए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vp इन Rn इज सेट टू बी डैश इफ़ द वेक्टर इक्वेशन x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस अप टू xp vp इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये इक्वेशन आपके सामने हो, यानी ये लीनियर कम्बिनेशन
वेक्टर्स का लिखा है स्केलर के साथ, अगर इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल बन जाए तो इस केस में हम वेक्टर्स को क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, बेसिस कहेंगे या लीनियरली डिपेंडेंट, या इनमें से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले आप देखें कि जब कोई भी लीनियर कम्बिनेशन किसी वेक्टर्स की कोफिशेंट के साथ या स्केलर के साथ लिखी हो तो उसके ट्रिवियल होने का क्या मतलब होता है। आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, अ लीनियर कम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल इफ़ ऑल द कोफिशेंट्स आर जीरो। अगर इस लीनियर कम्बिनेशन के तमाम कोफिशेंट्स को हम ज़ीरो कर दें, यानी कि एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स पी तमाम ज़ीरो हो जाएँ, तो इस कम्बिनेशन को हम ट्रिवियल कहेंगे। और इस केस में, ट्रिवियल के केस में जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द सेट सी एन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉड्यूलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। सबसे पहले आप देखेंगे सेट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी किस तरह के एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि जिनकी हम nth पावर लें तो आंसर 1 आ जाएगा। C2, C3 और C4 सेट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब ये सेट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप हो नहीं सकते, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, मगर आयोटा इंटीजर नहीं है। इसी तरह ये जो नंबर है ओमेगा, ये भी इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है कि ये तमाम जो सेट है, ये पूरा सेट सी एन का जो कि रूट्स ऑफ यूनिटी पर कंजिस्ट करता है, ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, मे नॉट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप, इज साइक्लिक सब ग्रुप और इज एबेलियन सब ग्रुप। यानी कोई भी ग्रुप है, आप उस ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप्स का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा। तो जब हम किसी भी ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर एक नॉर्मल सब ग्रुप ही आएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 10 इज। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है और उस ग्रुप जी को ए जनरेट करता है, यानी कि ग्रुप का जनरेटर आपको गिवन है। अब हमें ऑर्डर फाइंड करना है इस एलिमेंट का ए पावर 10 का। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर का फॉर्मूला। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर हमें जो एलिमेंट गिवन है वो है ए पावर 10, यानी के की वैल्यू 10 है, और ये जो मॉडुलस का निशान है इसका मतलब है ऑर्डर। सो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड पावर ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर के की वैल्यू 10 है और जी का ऑर्डर आपको गिवन है 24। अब हम देखते हैं कि जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड के क्या आता है। आप देख सकते हैं कि जी का ऑर्डर 24 है और के की वैल्यू 10 है। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आता है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो इसलिए यहाँ पर हमने डिवाइड में 2 लिख दिया और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 12 है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रुप जी हैविंग ऑर्डर डैश वेयर पी इज़ प्राइम इज ऑलवेज एबेलियन। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई भी ग्रुप जी है, अब आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना है। गिवन ऑप्शंस में से उस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो कि वो हमेशा एबेलियन होता है, जबकि यहाँ पर जो पी की वैल्यू है वो प्राइम है। तो इवर्स जब भी कोई ग्रुप है उसके ऑर्डर को जब हम प्राइम नंबर के स्क्वायर में लिख सकें तो वो ग्रुप एबेलियन होता है। थ्योरम भी आपके सामने है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम इज ऑलवेज एबेलियन। यानी एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर हम पी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें, तो वो हमेशा एबेलियन होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 49। अब देखें 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 49 ऑर्डर का हर ग्रुप एबेलियन होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज। हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करनी है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 की। अब व्यूअर्स, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस फॉर अ नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p वेयर पी इज प्राइम इज गिवन। यानी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस किसी भी नॉन एबेलियन ग्रुप की जिसका ऑर्डर 2p हो, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या करते हैं। अब आप देखें सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 हो और वो सिमेट्रिक हो, तो वो है S3।
यानी कि उसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2 × 3 वेयर पी इज प्राइम, और ये ग्रुप जो है सिमेट्रिक ग्रुप H3 ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, पी की वैल्यू 3 है, वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्लासेस जो बनेंगी सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 की वो 3 बनेंगी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ जी। उस सेट का नाम बताएं, या ऐसा कौन सा सेट है जिसमें वो एलिमेंट पड़े होते हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो ऐसे सेट को हम कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलते हैं, ये भी एक ग्रुप होता है जिसे हम कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इसका दूसरा नाम डिराइव सब ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट आर द जीरो डिवाइजर्स इन रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 6। रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 6 है और हमने इसमें जीरो डिवाइजर फाइंड करने हैं। जीरो डिवाइजर कौन से होंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो डिवाइजर क्या होता है। फर्स्ट करें, R एक रिंग है और A एक एलिमेंट है जो कि रिंग में से बिलोंग करता है, और A जीरो के इक्वल नहीं है, यानी A एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो रिंग से बिलोंग करता है। इसे हम जीरो डिवाइजर कहेंगे अगर एक ऐसा एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आ जाए। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं और दोनों रिंग में से बिलोंग करते हैं, मगर जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जीरो आना चाहिए। अब आप देखें जो जेड सिक्स ग्रुप है इंटीजर मॉड्यूलो 6 वो आपके सामने है। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करें 2 और 3 को तो हमारे पास आंसर 6 आता है, जब इसको डिवाइड करेंगे 6 पे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरह 3 × 4 = 12, जब और इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी ये दो ऐसे पेयर्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 2, 3 और 4 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस ग्रुप के जीरो डिवाइजर्स हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स 2011 के पेपर के पहले 15 सवालों को सॉल्व किया, पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।